राजगढ़ जिले के सौरतगढ़ विधानसभा के छतहरी मैदान में आज राजमार्गों के विकास के लिए आज शिलान्यास समारोह का जनसभा का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी व यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस समारोह का आयोजन सौरतगढ़ के छतहरी मैदान में आयोजित किया गया था। लगभग 2 बजे योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समारोह स्थल पर पहुंचे। इस जनसभा में केंद्रीय मंत्री व योगी आदित्यनाथ ने NH 730 के चौड़ीकरण व सुंदरीकरण के लिए 209 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया। इस धनराशि से इंडो नेपाल सीमा पर स्थित बढ़नी कस्बे में सौरतगढ़ तहसील तक के राजमार्ग को बेहतर बनाया जाएगा, जिसकी कुल दूरी 35 किलोमीटर है। साथ ही जिले के अन्य राजमार्गों को भी बेहतर बनाया जाएगा। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि हमारा देश तेजी से बदल रहा है, किसानों की फसल से बेहतर दाम रोटी कपड़ा मकान की हमको चिंता है, हम गरीबों की सेवा करते रहें, जब सबको रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा तभी हमारा काम पूरा होगा देश की उन्नति के लिए। उन्होंने सड़कों को बेहद महत्वपूर्ण बताया और कहा कि सड़कें अच्छी होंगी तो अच्छे उद्योग आएंगे, उद्योग से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 7543 किलोमीटर मार्ग के जिसे आज 14,800 किलोमीटर यानी दुगुना कर दिया, हम नेपाल व बांग्लादेश को जोड़ने वाले रोड बनाएंगे, नदियों में जल मार्ग बना रहे हैं, हरदिया से नेपाल तक जल मार्ग का निर्माण को विकसित कर रहे हैं, जिससे इन अति पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से होते हुए विकास की बातें कही। और यहाँ आए भगवान गौतम बुद्ध की भूमि में, यहाँ से हम बौद्ध सर्किट का जो कार्य कर रहे हैं उसमें से महत्वपूर्ण रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के लिए आए हैं। बहनों और भाइयों, हमारा देश तेजी से बदल रहा है। हमारे देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे हो, उनको अच्छे रास्ते कैसे मिले, उनको 24 घंटे बिजली कैसे मिले, किसानों के फसल को सही दाम कैसे मिले और उनको रोटी कपड़ा और मकान कैसे मिले, यही हमारी चिंता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने सामाजिक आर्थिक चिंतन में यह कहा है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, ऐसे दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और हम उनकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन इन हमारे गरीब भाई और बहनों को रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा हुआ, ऐसा हम समझेंगे। हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और उसके सेक्स से बड़ा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति उसके गुणों से बड़ा होता है। इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता नष्ट करके हम सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी का सपना। और भाइयों, हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां गांव, गरीब, मजदूर, किसान खुशहाल हो और जहां गरीब का कल्याण हो। आज ये जो मार्ग है बहुत महत्वपूर्ण है, कुशीनगर से गोरखपुर, गोरखपुर से आनंदनगर, आनंदनगर से नौगढ़, नौगढ़ से सौरतगढ़, सौरतगढ़ से बढ़नी, बढ़नी से तुलसीपुर, बलरामपुर और श्रावस्ती। ये पूरा हमारा जो बौद्ध परिपथ है, पूरे बौद्ध परिपथ को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी का शुभारंभ आज यहाँ पर आदरणीय गडकरी जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। सौरतगढ़ से बढ़नी का जो ये मार्ग है, बौद्ध परिपथ के साथ साथ हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल, जिसके माननीय सांसद, कृष्णानगर से माननीय सांसद श्री अभिषेक प्रताप साह स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सीधे बढ़नी को कृष्णानगर से जोड़ने का कार्य यह मार्ग देता है। यानी एक साथ बौद्ध परिपथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों के लिए मार्ग उपलब्ध हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने मित्र राष्ट्र नेपाल को जोड़ने का भी एक बेहतर साधन दिया जा रहा है।
और मैं सही मायने में जो यहां पर श्री जगदम्बिका पाल जी ने मांग की कि यह टू लेन नहीं बल्कि फोर लेन होना चाहिए, फोर लेन के रूप में इसे विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार अपनी संस्तुति भेजेगी, जमीन अधिग्रहण की इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब माननीय गडकरी जी जैसा मंत्री हो तो स्वाभाविक रूप से कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में यह कार्य फोर लेन के रूप में विकसित होगा और भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। पर जो अभियान प्रारंभ हुआ है, आप सब जानते हैं कि आजादी के बाद इस देश प्रदेश में मात्र 13 मेडिकल कॉलेज बने थे और पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के लिए 13 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं और इस बार जब हमें 8 नए मेडिकल कॉलेज देने थे, उन 8 नए मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने सिद्धार्थनगर जनपद को दिया है और एक नया मेडिकल कॉलेज से अटल बिहारी वाजपेयी जी सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में बलरामपुर में केजीएमयू के एक सैटेलाइट सेंटर के रूप में हम लोग बलरामपुर जनपद को देने जा रहे हैं। यानी विकास की प्रक्रिया को किस तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 8 ऐसे जिले हैं जो विकास के पैदान में पीछे थे और उन 8 में से 4 में हम नया मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य में और पोषण मिशन को सफलतापूर्वक हम आगे बढ़ा सके इस दिशा दे रहे हैं, जिनमें सिद्धार्थनगर जनपद है, बलरामपुर है, बहराइच है और फतेहपुर है। इनमें से 3 मेडिकल कॉलेज हम लोग नया देने जा रहे हैं और इस दिशा ये सभी कार्य समयबद्ध ढंग से हों, कार्य की मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए हों और आम जनमानस को बेहतर सेवाएं प्रदान करने वाले हों। इस दिशा जनप्रतिनिधियों की सहभागिता, विकास के कार्यों में उनकी रुचि और विकास आम जन की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने की तैयारी जब होगी तो परिणाम जनता के लिए सुखद होंगे।